हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हैशटैग संध्या ब्यूटी टिप्स। सो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये कॉकटेल पार्टी लुक। यस, आप इस टाइप का लुक क्रिएट करके किसी भी कॉकटेल पार्टी में जा सकते हो, या नाइट टाइम पार्टी में आप जाने वाले हो तो आप इस टाइप का लुक क्रिएट कर सकते हो। बहुत प्यारा और प्रिटी लुक लगता है। सो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं कि मैंने ये लुक कैसे क्रिएट किया है और आप भी इस लुक को क्रिएट कर सकते हैं बहुत ही इजीली। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ले रही हूँ, सबसे पहले आपको अपने फेस को अच्छे से क्लीन करना है, क्योंकि जब भी आप मेकअप स्टार्ट करो तो फेस को क्लीन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ एलोवेरा मॉइस्चराइजर, ये जॉय का है, बस 10 रुपीज़ में मिलती है आपको। बट ये इतनी क्रीमी है जो आपके फेस को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करती है। आप देख सकते हो, मुझे इसे ब्लेंड करने में थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रीमी है। समर हो या विंटर, आप इस मॉइस्चराइजर का यूज कर सकते हैं एंड ये आपको जस्ट 10 रुपीज़ में मिल जाएगी। सबसे छोटा जो इसका पैक है वो 10 रुपीज़ में मिलती है, एंड आप उससे बड़ा चाहो तो आप उससे बड़ा भी ले सकते हो। सो बहुत ही अच्छा है। उसके बाद मैं यहाँ पे प्राइमर लेके थोड़ा सा अप्लाई कर लूँगी अपने फेस पे, उसे ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से। देख सकते हैं मैं उसे अच्छे से ब्लेंड, एंड जो एक्सेस मेरे हाथ में रह जाते हैं उसे मैं अपने नेक पे एंड ईयर पे अप्लाई कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ ग्लैम 21 का ये कंसीलर, अमेजिंग कंसीलर है। आपके सारे पिगमेंटेशन एंड आपके फेस को लिटिल बिट लाइट बनाता है। अगर आप अपने शेड के हिसाब से सही खरीदते हो तो ये आपके फेस को बिल्कुल नेचुरल फिनिशिंग देती है। सो ये जो शेड है ये मेरे फेस से बिल्कुल मैच हो जाती है, देख सकते हो, मिक्स एंड मैच हो चुकी है। ऐसा नहीं लग रहा है कि मैंने कुछ अलग से कुछ हैवी सा ट्राई किया है या कुछ अप्लाई किया है। बहुत अच्छे से ये आपके पिगमेंटेशन को, डार्क सर्कल्स को हाइड करता है। तो मैं यहाँ इसे ब्रश से ब्लेंड कर रही हूँ, उसके बाद थोड़ा सा मैं अपने डार्क एरिए पर लगाऊंगी, क्योंकि आप देख सकते हो मुझे थोड़ा सा डार्क सर्कल्स हैं, तो वहाँ पर मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद सेम ब्रश से मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी। सो इसे अच्छे से ब्लेंड करना है। सो ब्रश से ब्लेंड तो अच्छे से हो जाती है, बट थोड़ी बहुत हार्डनेस रहती है। तो मैं इसे ब्रश से ब्लेंड करने के बाद ब्यूटी ब्लेंडर से इसे थोड़ा सा टैप टैप कर दूंगी ताकि अच्छे से फेस पे सेट हो जाए। एंड जो एक्सेस हो, अगर आप ज़्यादा प्रोडक्ट लगा ले तो वो ब्यूटी ब्लेंडर में बहुत अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाती है एंड आपको नेचुरल फिनिशिंग मिलती है। तो मैं इसे टैप टैप थोड़ा सा कर ले रही हूँ। तो आप देख सकते हो कितना सटल सा ग्लो आ चुका है मेरे फेस पे। तो डे टाइम के लिए ये कंसीलर परफेक्ट है। आप इसे कंसील करो या एज अ फाउंडेशन भी आप इसे यूज कर सकते हो। एंड बहुत क्रीमी कहूँ तो नहीं है, बट ओके ओके है। तो यहाँ पे मैंने वाइट टोन पाउडर लिया है और अपने फेस को थोड़ा सा बेकिंग कर रही हूँ, अंडर आई को एंड जहाँ जहाँ पे मुझे कॉम्पैक यूज करने वहाँ वहाँ पे मैं इसे बेकिंग के लिए सिर्फ 2 मिनट मैंने इसे छोड़ा है। उसके बाद फिर मैं इसे एक ब्रश के से अच्छे से रिमूव कर लूँगी ब्लेंड करते हुए। तो ब्लेंड करते हुए मैं इसे रिमूव कर रही हूँ एंड नेक को भी अच्छे से कवर करूँगी, ईयर को भी कवर कर लूँगी। उसके बाद मैं ले रही हूँ यहाँ ADS का पैलेट। एक्चुअली जब मैं वीडियो बनाने के लिए ला रही थी इसे, तो ये मेरे हाथ से छूट कर ना गिर गया और टूट गया है, बट कोई नहीं, मैं फिर भी इसका यूज़ कर लूँगी। तो आप देख सकते हो ऊपर वाला कैप वो उस चीज़ से हट चुका है एंड तो मैं उसे हटा दे रही हूँ। यहाँ पे मैं सबसे पहले अपने ब्राउ को फिल करूँगी, इसके लिए मैं ले रही हूँ ये इसमें लाइट ब्राउन कलर का जो शेड है उसे, एंड अपने ब्राउ को बहुत हल्के हल्के से ब्राउ पाउडर से उसे सेट कर दूँगी। एंड जैसा मेरा ब्राउ है मैं बिल्कुल वैसा ही सेट करूँगी, ओवर नहीं जाऊँगी।
आप देख सकते हो ओवर करने से ये होता है कि आपका जो ब्राउ होगा वो फेक लगने लगता है। तो अच्छा होगा कि आप अपने नेचुरल ब्राउ शेप में ही अपने ब्राउ को फिलअप करें। आप देख सकते हो एंड मेरे दोनों ब्राउ सेम नहीं है, थोड़े से डिफरेंसेस हैं दोनों में। यहाँ पे मेरे ब्राउ अच्छे से फिल हो चुके हैं। ये जो लाइट ब्राउन है ये आपके आईब्रो को बिल्कुल नेचुरल फिनिशिंग देती है। ये आपके जब अप्लाई कर लोगे तो आपको लगेगा कि हाँ आपका नेचुरल ब्राउ है। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ ये 10 रुपीज़ में मुझे काजल मिली थी, क्योंकि मैं यहाँ पे स्मोकी ब्राउनी स्मोकी आई कर रही हूँ, तो उसके लिए मुझे एक काजल की ज़रूरत थी। तो ये मैंने 10 रुपीज़ में ली है, बट ये प्रॉपर ब्लैक नहीं है और अच्छे से ये अप्लाई भी नहीं हो रहा था। तो मैं यहाँ पे एक ब्रश से इसे अप्लाई कर रही थी। बहुत छोटू सा है, प्यारा सा दिखता है, इसलिए मैंने इसे ले लिया। अब मैं इसे जैसे लाइनर यूज करती हूँ, लाइनर की जगह पे इसका यूज कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसे इसके ऊपर अप्लाई कर रही हूँ ये मैक का काजल, क्योंकि ये जो इससे पहले जो मैंने काजल लगाया था वो प्रॉपर ब्लैक नहीं है, बट मैक का जो काजल है वो पूरा ब्लैक है एंड बहुत अच्छा है। आपको मैट फिनिशिंग चाहिए तो आप इस काजल को ट्राई कर सकते हो। कितनी बार मैं बता चुकी हूँ, जितनी बार मैंने ट्राई किया हर बार बताया कि ये काजल बहुत अच्छा है, आपको इसे ज़रूर ट्राई करना चाहिए। तो उसके बाद अब मैं इसे हल्का हल्का स्मच कर लूँगी एक ब्रश की हेल्प से, क्योंकि यहाँ पे मैं एक स्मोकी आई लुक कर रही हूँ। तो इसे अच्छे से मैं स्मच कर लूँगी। थोड़ा सा विंग बनाते हुए मैं इसे स्मच कर रही हूँ। आप देख सकते हो ये बहुत ही सिंपल सा लुक है, बहुत ही इजीली आप इसे ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पे स्मच करने के बाद मैं सिंपलेट से ब्राउन कलर लूँगी, डार्क ब्राउन, एंड उसके ऊपर उसे डिपॉजिट करते हुए ब्लेंड करूँगी। आप चाहो तो डिपॉजिट करके इसका आई मेकअप यहीं पे डन कर सकते हो, बट मुझे थोड़ा सा और इस पर ड्रामेटिक लुक चाहिए, तो मैं इसे थोड़ा सा और इस पर डालूँगी एंड ब्लेंड करते जाऊँगी। यस, अगर आप सिंपल अपने लुक को रखना चाहते हो तो आप मेकअप यहीं पे छोड़ सकते हो, आपका आई मेकअप डन हो जाएगा, बट मैं कर रही हूँ। उसके ऊपर ब्राउन कलर डाल के उसे ब्लेंड कर ले रही हूँ। इसके बाद इसमें से मैं लाइट ब्राउन लूँगी और उसके ऊपर अप्लाई करूँगी एंड स्मच करूँगी। आप दोनों कलर को जब मिक्स करोगे तो उसके बाद जो कलर टर्न आउट होता है, आप दोनों कलर को मिक्स करके देखोगे तो बहुत ही प्यारा सा कलर बनता है। सो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसे विंग बनाते हुए अप्लाई कर रही हूँ। ये अच्छे से हो चुका है। यहाँ पे मैं उसके ऊपर थोड़ा सा वही मैक का काजल यूज करी ताकि थोड़ा सा ब्लैकिश दिखे, क्योंकि शेडो यूज करने के बाद उसकी जो ब्लैक काजल की जो ब्लैकनेस थी वो थोड़ी सी कम हो गई थी। तो मैं इसके ऊपर उसे अप्लाई करके एंड फिर से ब्लेंड करके फिर से उसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। तो देख सकते हो आप, थोड़ा सा विंग बनाते हुए मैंने इसे किया है। उसके बाद हल्का सा मैं एक लाइट ब्राउन लेके, उसके लाइट ब्राउन है, बहुत प्यारा कलर है, मैं अपनी क्रीज लाइन पे इसे अप्लाई कर रही हूँ। आप चाहो तो जो मैंने विंग बनाया है उससे पहले भी आप अपनी क्रीज लाइन पे कोई भी कलर अप्लाई कर सकते हो, बट मैंने उस टाइम कोई भी कलर अप्लाई नहीं किया था। सो मैं लास्ट में यहाँ पे अपने क्रीज लाइन पे कलर अप्लाई कर रही हूँ। सो देख सकते हो मेरा आई मेकअप डन हो चुका है। तो मैं इस पर काजल अप्लाई कर रही हूँ थोड़ी सी शार्पनेस दिखाने के लिए, एंड इसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा अप्लाई करूँगी जेल लाइनर, सिर्फ आउट ऑफ वी पे उसे लगाऊंगी।
जो काजल था उसे ब्लेंड कर ले रही हूँ, क्योंकि जितना भी मैंने काजल और शैडो यूज किया उस सबको मैंने बहुत अच्छे से ब्लेंड किया है। आप देख सकते हो वो बहुत अच्छे से मैं ब्लेंड कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक क्लीन ब्रश एंड उसे जो मैंने प्रोडक्ट अपने आई पे अप्लाई किया उसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने HD 36 का ये लाइनर लिया था, बट ये काम नहीं कर रहा था, तो मैंने यहाँ पे म्यूजिक फ्लावर का जेल लाइनर लिया है ब्राउन कलर का, एंड उसी लाइनर ब्रश से मैं उसे अप्लाई करूँगी, क्योंकि उसकी जो ब्रश शेप है बहुत ही शार्पनेस है, तो मैं इसे थोड़ा सा शार्प बनाऊँगी एंड मैं आउट ऑफ वी पे इसे अप्लाई कर रही हूँ। सब देख सकते हो बहुत अच्छे से ये अप्लाई हो रहा है एंड इस साइड बस मैंने सिर्फ आउट ऑफ वी पे ही यूज किया है, अपने पूरे आई पे इस लाइनर को यूज नहीं किया है, क्योंकि मेरा जो लाइनर था या फिर जो मेरा आई मेकअप है वो पहले ही से मैंने विदाउट लाइनर कर लिया है। अब मैं यहाँ लोअर लैश लाइन पे वाइट काजल यूज कर रही हूँ एंड उसे अच्छे से अपने पूरे आई पे लोअर लैश लाइन पे लगा लूँगी वाइट काजल। आप चाहो तो यहाँ पेंसिल का भी यूज कर सकते हो एंड वाइट पेंसिल का भी यूज कर सकते हो, या फिर वाइट आपके पास शैडो है तो आप उसका यूज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे शैडो का ही यूज किया है। उसके बाद स्टील पैलेट का ये ब्लश पैलेट, अमेजिंग ब्लश पैलेट है, इसीलिए आप देखते हो कि मोस्टली मैं अपने वीडियोज़ में इसका यूज कर रही हूँ, क्योंकि इसकी जो पिगमेंटेशन है वो मुझे बहुत पसंद है। इतना लाइट वेट है एंड मैट है आपके चीक्स को बहुत ही नेचुरल फिनिशिंग एंड रेड रेड चीक्स आपकी दिखती है, ऑरेंज चीक दिखती है। इसमें 4 शेड है एंड बहुत सारे टाइप्स में आते हैं, तो बहुत सारे शेड्स में भी आपको ये मिल जाएंगे। तो मैंने जो लिया था वो शायद 04 था, यस। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपने नोज़ को शार्पनेस कर लेंगे एंड ब्लश जो है वो अप्लाई हो चुका है, बहुत लाइट वेट अपने नोज़ को कर रही हूँ। उसके बाद पहले नोज को अच्छे से कंट्रोल कर लूँगी ताकि मेरा नोज थोड़ा सा स्लिम दिखे एंड ब्रश से उसे ब्लेंड कर लूँगी। यहाँ पे मैं ले रही हूँ बहुत लाइट सा ब्राउन ब्रॉन्जर है, तो मैं चीक्स पे और क्यूपिड पे से जॉ लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ एंड मैं इसे इस ब्रश की मदद से इसे ब्लेंड कर लूँगी एंड चीक्स को भी। फेस को कंट्रोल करना बहुत ही इम्पोर्टेंट, आप कंट्रोल कर लो या ब्रॉन्जर कर लो, मैं ज़्यादातर ब्रॉन्जर ही करती हूँ। अभी भी मैंने ब्रॉन्जर ही यूज किया था, कंटूरिंग करना अभी मुझे नहीं आता है। यहाँ पे मैंने हुडा ब्यूटी का मेकअप फिक्सर यूज किया है। गाइस मेरा वीडियो काफ़ी जल्दी जल्दी आगे जा रहा है इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोल रही हूँ। हाइलाइटर के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ ग्लैम 21 का ब्लशर पैलेट, इसमें बहुत सारे शेड्स हैं, आप चाहो तो एज अ हाइलाइटर यूज कर सकते हो या फिर एज अ ब्लश। अगर आप एज अ ब्लश यूज करते हो तो आपका हाइलाइटर का भी वर्क करता है, तो मैंने उसे अप्लाई कर लिया है, उसमें जो गोल्डन कलर का शेड था उसे। अब मैं ले रही हूँ यहाँ पे ADS का ये लिप लाइनर है, अमेजिंग लिप लाइनर एंड कलर भी बहुत प्यारा। आप चाहो तो सिर्फ इसे ही अप्लाई करके यहाँ पे इसे छोड़ सकते हो, बट मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ ये जुलॉजी का न्यू लिपस्टिक, माय न्यू लिपस्टिक। इसकी जो इसका जो टेक्सचर है बहुत ही अच्छा है, लाइट वेट क्रीमी है, ऐसा नहीं है कि आप इसे अप्लाई कर लो और ये चिपचिपा टाइप का हो, सुनिए है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा और लगाऊंगी, एक न्यू लिपस्टिक है, आई डोंट नो इसका नाम क्या है, मैंने अभी सही से देखा नहीं है, बट मैं डाल दूंगी। तो
मैं इसे अप्लाई करूँ। ये बहुत ही अच्छा मरूनी रेड कलर है। सो गाइस ये रहा मेरा फाइनल लुक, आप देख सकते हो। तो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय।